अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार वहीद SPU, और SPU की वीडियो बना लेते हैं। SPU में जिन गर्ल्स ने अप्लाई किया हुआ राइट, और वो काफ़ी परेशान है कि इस टेस्ट को हमने पास कैसे करना है, कैसे हम लोग रेकमेंड होंगे, क्या प्रोसीजर होगा। रिटन टेस्ट बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, मेडिकल फिजिकल सब तो क्लियर हो जाता है, लेकिन रिटन टेस्ट में कैसे पास होंगे? देखो, SPU वाले भी जहन में रखें, जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ वो जहन में रखें। SPU वाले 80% फोकस डालते हैं मैथ के ऊपर। देखो, मैथ एक वाइड ऐसा पोर्शन है आपका जहाँ पर आपके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में PHP के बारे में बताया कि वो फोकस डाल दें इंग्लिश के ऊपर, और आप लोग सारे का सारा फोकस पुट कर दें किसके ऊपर? मैथ के ऊपर। अब मैथ का आप लोग क्या करें, 9th-10th के आर्ट्स का मैक ओपन करो, आर्ट्स का, और वो चैप्टर्स निकालो जो कि चैप्टर्स सिमिलर हों क्लास 10th साइंस के मुताबिक से। मिसाल के तौर पर क्लास 9th आर्ट्स के अंदर एक चैप्टर है रेशो वाला, और वही चैप्टर क्लास 10th के अंदर चैप्टर 3 में है रेशो वाला, यानी रेशो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे x+1/x वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, अनडूड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह साइन चेंज किया जाता है, किस तरह सीरीज ली जाती है, किस तरह मीन प्रोपोर्शन लगाया जाता है, ये सारे यानी एक्स की वैल्यू पुट करके कैसे हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्यूल आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये सवाल पक्का आ जाना है। यानी क्वेश्चन दिया होगा x²+3x+36, मिड टर्म ब्रेक करके दिखाएं, फैक्टराइजेशन करके दिखाएं, ठीक है। एग्जाम्पल में बोला क्वेश्चन, ये तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता जो मैंने क्वेश्चन बोल दिया अभी, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये पता होना चाहिए आपको कैसे होना है, क्योंकि यहाँ से आपके 10 से 12 नंबर पक्के हैं। दूसरा, SPU वाले क्या करें, SPU वाले फोकस करें इस्लामियत के ऊपर, इस्लामियत के फोकस करें, इस्लामियत के क्या करें, इस्लामियत के मैंने लास्ट टाइम में रिपीट किया था, तजमीदुल कुरान की जो बुक है आपकी, उस बुक को 9th-10th की ले लें, उसके अंदर अहम नकात जो दिए हुए हैं राइट, उन्हें आप प्रॉपरली पढ़ें, और पढ़ने के बाद उनके तजमे को रीड आउट करें, समझ आ गया, उसे आप प्रॉपरली रीड आउट करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? कंप्यूटर। सोच रहे हो कंप्यूटर का तो आना ही नहीं है ना, अरे भाई तैयार कर लो, पता कोई नहीं आ भी। कंप्यूटर के बारे में शॉर्टकट कीज़, बेसिक फॉर्मूले, रैम रोम के बारे में बेसिक चीज़ें, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लें। आप करना क्या, आप लोगों ने ये देखो मेरी वीडियो आपने सुन ली है, सबसे पहले अपने क्लास 9th-10th के आर्ट्स की बुक्स मैथ की डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें आपने कर लेनी है। यानी दोनों करने के बाद आपने दोनों को क्या करना है, आपने दोनों को पकड़ के आपने उसे मैच करना है कि कौन कौन से चैप्टर सेम हो रहे हैं, जो चैप्टर सेम हो रहे हैं उनके MCQs रिवाइज करने हैं मैथ के। भाई लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखना, क्या रिवाइज करना है, MCQs आपने क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। MCQs जब आप वहाँ से रिवाइज करेंगे तो फिर वहाँ से क्वेश्चन बन के आपके आ जाएंगे उसी रेलिवेंट से, लेकिन अमाउंट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगला पॉइंट, इस्लामियत का मैंने कहा 9th-10th के तजमीदुल कुरान की बुक ले लें, वहाँ पर बेसिक उनके हर एक के एंड पे एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, उसमें एक MCQs हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है, उन्हें रीड आउट करना है, वहाँ से आपका सब चीज़ हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट मैंने क्या किया आपको बताओ, एक तो मैंने मैथ के कहा, एक इस्लामियत के, एक और का भी कंप्यूटर के बारे में कहा। कंप्यूटर क्या करना है, कंप्यूटर के गूगल पर सर्च करो फेमस शॉर्टकट कीज़ और सब चीज़ें जो हैं वहाँ से वो रिवाइज करें, ताकि यहाँ पर आपकी बेसिक ग्रिप हो सके। सुनने में बड़ा आसान है, करने के लिए आपको 3 दिन लग जाएंगे, ये काम आसान नहीं मुश्किल है। देखते हैं चैनल सब काबिल, अल्लाह हाफिज़।